गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकंड. दिस इज़ द वीडियो अबाउट इंग्लिश लिटरेचर एंड द लेसन इज सेकंड. ये आपका सेकंड लेसन है एंड द नेम इज़ द मुल्लाज सन. और इसमें आप स्टोरी सुनेंगे एक छोटे से बच्चे की जो बहुत हाजिर जवाब पिता का बेटा रहता है और वही क्वालिटीज़ वही जो है गुण उनमें भी रहते हैं. लेट्स थिंक्स, आप इसमें क्या थिंक करोगे, क्या विचार करोगे. डू यू नो अबाउट अकबर, क्या आप अकबर के बारे में जानते हो. यस, अकबर एक बहुत ग्रेट मुस्लिम शासक थे इंडिया के. लेट्स फाइंड, आप इसको पढ़ते हो या इस स्टोरी को सुनते हो तो आप क्या फाइंड कर पाओगे. हैव यू डन एनी सिली थिंग्स लाइक रफ़ीक इन योर चाइल्डहुड, क्या आपने भी बचपन में रफ़ीक की तरह कोई शरारत की है. यस, सभी बच्चे छोटे बच्चे जो हैं शरारत करते हैं. लेट्स इमेजिन, क्या आप इमेजिन करते हो, क्या आपका इमेजिनेशन बनेगा. व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल बिहेव बैडली इन योर होम, इस स्टोरी के एंड होते होते आप ये भी फील करोगे कि अगर आप कोई गलत बिहेव करते हो तो इसका क्या, इससे आपका क्या रिएक्शन दूसरों को मिलता है और आपको कैसा फील होता है. ओके, लेट्स अबाउट द लेसन एंड स्टोरी. ओके, अबाउट 500 ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड अकबर. लगभग 5000 साल पहले की बात है, हमारे देश में एक राजा थे अकबर. ही वॉज सच अ ग्रेट किंग, वो एक महान शासक थे, दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर, और यही वजह है कि उन्हें एम्परर यानी महाराज की संज्ञा दी जाती है. वो उनके विचार, उनके कार्य सभी बहुत ही महान थे. अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली, वो दिल्ली के एक विशालकाय राजभवन में रहते थे. एट अकबर्स कोर्ट देयर वर मैनी फेमस पीपल, और अकबर ने अच्छे क्योंकि अकबर अपने समय में युद्ध में और बाकी चीज़ों में इतने बिजी रह गए कि उनके पास पढ़ने के लिए उनके लिए समय नहीं मिला जीवन में. तो वो हम अपने राजदरबार में बहुत अच्छे शिक्षित लोगों को उन्होंने अपने राजदरबार में नियुक्त कर रखा था ताकि वो उनसे सलाह मशवरा कर सकें. तो कई सारे फेमस लोगों को उन्होंने अपने कोर्टीज यानी दरबारी बना रखे थे. They were artists and musicians, dancers and poets and clever scientists and writers too. उनके राजदरबार में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, नर्तक, कविताकार और बहुत चतुर साइंस को जानने वाले बहुत अच्छे अच्छे लेखक, इस तरह के कवि, सभी तरह के लोग थे. There was also a very funny man there called मुल्ला दो प्याज़ा, और इन सब के संग संग क्योंकि उन जीवन में बहुत सीरियस के संग संग थोड़ा एंजॉय भी रहना चाहिए तो उन्होंने अपने दरबार में एक बड़े फ़नी मैन मुल्ला दो प्याज़ा को भी रखा था. वो बड़े चतुर दिमाग के थे, बड़े हाजिर जवाब थे और किसी भी समस्याओं का चुटकी में हल निकाल दिया करते थे. कम एट द नेक्स्ट पेज. दिस द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, मुल्ला का काम था जब भी एम्परर जो है वो परेशानी में हो, पर मुसीबत में हो तो दरअसल उनको लाफ करना यानी उनको हंसी मजाक करके माहौल को हल्का फुल्का बनाना, मज़ेदार बनाना. व्हेन द एम्परर वॉज सैड ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, जब भी एम्परर थोड़ा दुखी होते थे या मायूस होते थे या किसी वजह से परेशान होते थे तो वो मुल्ला दो प्याज़ा को बुलाते थे और वो जो है उनका मूड बिल्कुल बदल देते थे. वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याज़ा, वो कहते थे मेरा फ्रेंड दो प्याज़ा कहाँ है, ब्रिंग हिम टू मी नाउ, उसको मेरे पास भेजो. द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ ऑल डायरेक्शंस, एक बार क्या हुआ कि अकबर बहुत दुखी थे और उनका मन ठीक नहीं था तो उन्होंने कहा कि मुल्ला दो प्याज़ा कहाँ है, उनको बुलाओ. उनके जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, सेवक थे कोर्ट के, उन्होंने वो चारों डायरेक्शन में गए उनको खोजने के लिए क्योंकि उन्होंने राजा ने ऑर्डर दिया था तुरंत ही वर्क होना था. सोन मुल्ला दो प्याज़ा वॉट ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, जल्दी ही उनको तलाश लिया गया और उनको कोर्ट में सामने हाजिर किया गया. वेन वेरी सून आफ्टर दैट द एम्परर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स, और उसके आते ही कुछ देर में इतनी हंसी मजाक और इस तरह का माहौल बनता था कि राजा बिल्कुल अपने सारे ट्रबल्स, परेशानियां, मुसीबतों को बिल्कुल भूल जाता था. ही रोल्ड अबाउट विथ लाफ्टर, उनकी बातें ही ऐसी होती थी कि वे लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे. मुल्ला दो प्याज़ा रियली वॉज अ फनी मैन, मुल्ला दो प्याज़ा सच में अपने जिस काम के लिए उसको रखा गया था वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था और वो एक फ़नी मैन था, मज़ेदार व्यक्ति था. नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम, उसको कोई भी चीज़ ना तो सरप्राइज करती थी, आश्चर्यचकित करती थी, ना ही कोई चीज़ उसको शॉक्ड करती थी. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उसके पास हमेशा ही कहने के लिए या सुनाने के लिए, कुछ मज़ेदार किस्सों को सुनाने के लिए उसके पास हमेशा ही कुछ ना कुछ होता था. ही हैड अ क्वाइट आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, वेरी क्विक आंसर्ड पर्सन, वो किसी भी समस्या का समाधान उसका चुटकियों में करना उसका गुण था. वन मॉर्निंग द मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन,
एक सुबह की बात है, उसको दरबार में जाना था, ऐसा जैसे कि वो कोर्टी था उसे जाना था। उसने अपने वाइफ को बेटे को गुड बाय किया एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल, और हमेशा की तरह कोर्ट के लिए चला गया। हिज सन रफीक वॉज ओनली 6 years old, उसका बेटा रफीक जो कि सिर्फ 6 साल का था, एंड टूडे ही बिगन टू बिहेव वेरी बैडली, उसके संग कुछ भी प्रॉब्लम थी, उसे क्या प्रॉब्लम थी, बट आज वो दिन भर बहुत बैडली कर रहा था, बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। हिज मदर द मुल्लाज वाइफ गॉट वेरी एंग्री विथ हिम, और उसके इस एटीट्यूड की वजह से उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ थी, गुस्सा थी। यू बैड बॉय, माँ ने उसे डांट करके, शाउट करके, चिल्ला करके बोला, तुम बहुत गंदे बच्चे हो, एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम, और उसको उन्होंने उसके रूम तक पीछा किया। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम एंड हाइड अंडर द बेड, बच्चा डर गया, उसको लगा कि अब तो पिटाई होगी, और वो बच्चा भाग करके अपने रूम में जा करके हाइड यानी छिपना, अपने बेड के नीचे घुस गया, उसके बेड के नीचे जाके छिप गया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम वेयर ही वॉज, अब उसकी माँ झुक करके नीचे, उसके लिए निकालना मुश्किल था, वो झुकना नहीं चाहती थी और वो गुस्सा भी थी। अब उसने सोचा ठीक है, अगर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, आज वो वहीं रहे। रफीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, और रफीक भी चुपचाप वहीं पड़ा रहा क्योंकि उसको लगा वो सबसे सेफ जगह है जहां माँ अब वापस से उसको बुलाने के लिए नहीं आ रही है। रफीक बिहेव वेरी बैडली टुडे, द मुल्लाज वाइफ सेड व्हेन द मुल्ला रिटर्न्ड इन द इवनिंग, शाम को अपने दरबार का काम करके जब मुल्ला वापस आते हैं तो वो सबसे पहला शिकायत करती है कि आज रफीक ने बहुत गंदा बिहेव किया। आई चेज्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया, एंड ही हाइडिंग अंडर द बेड, और वो जाकर के बेड के नीचे छिप गया। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, लेकिन अब मुझे उसके लिए फिक्र हो रही है, कुछ देर तक तो नहीं फिक्र हुई, ठीक है बच्चा है छिपा है निकल आएगा, बट काफ़ी देर से वो उसके नीचे है, सो अब मैं उसके लिए बहुत वरीड हो रही हूँ, वरीड होना मतलब चिंतित होना। बट ही वॉन्ट लिसन मी, लेकिन फिर भी वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। यू गो टू हिम डियर हस्बैंड, टॉक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर, अब वो कहती है प्लीज़ तुम जाओ वहाँ जाके देखो, उससे प्यार से बात करो, पोलाइटली मतलब विनम्रतापूर्ण बात करो, प्यार से बात करो, और उसको लेकर के यहाँ पे आओ, क्योंकि उसने दिन भर खाना नहीं खाया और रात के डिनर मीन्स रात के खाने का वक्त हो रहा है। मुल्ला दुप्याज़ा वेंट इमीडिएटली टू रफीक्स रूम, मुल्ला दुप्याज़ा ने जैसे ही सुना उनको लगा ये बच्चा छोटा सा उसने दिन भर नहीं खाया, तुरंत वो रफीक के रूम में गए। ही पीप्ड अंडर द बेड, उन्होंने पीप्ड मीन्स झांकना, उन्होंने बेड के नीचे झांका। यस देयर ही वॉज रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने देखा कि हाँ ये वहीं पे है और बड़ी शांति से दीवार के पास जाकर के रेस्ट कर रहा है यानी सोया हुआ पड़ा है। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफीक, अब मुल्ला नहीं चाहते थे कि जल्दी से आवाज़ दें और वो चौंक के उठ जाए, बच्चा डर जाए, चौंक के उठने पे उसका सर जो है बेड की लकड़ी से लड़ भी सकता था। ही ले ऑन द फ्लोर, वो क्या करे चुपचाप पेट के बल ज़मीन पर लेट गए और धीरे धीरे एंड ही हीड अंडर राइट अंडर द बेड, और धीरे धीरे सरक के बेड के नीचे गए। उन्होंने सोचा मैं पास में जा करके बच्चे को धीरे से हौले से जगा देता हूँ। द लिटिल बॉय स्माइल ब्राइटली, जैसे ही रफीक ने देखा जैसा वो लेटा हुआ था उसी तरह से सरकते हुए पापा भी उसके पास आ रहे हैं, तो वो पापा को देख करके ब्राइटली मतलब एक चमक सी उसके मुस्कान आ गए। हेलो फादर ही है ही सेड, उसने कहा हाय हेलो पिताजी, हैव यू बीन पनिश्ड टू, उसने कहा कि क्या लगता है आपको भी सजा मिली है क्या। नेवर माइंड देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, उसने कहा कोई बात नहीं, उसको लगा शायद जैसे मैं माँ की डर से यहाँ पे आके छिप गया हूँ तो फादर भी पनिश्ड हुए हैं और वो भी छिपने की जगह तलाश कर रहे हैं, तो उसने कहा कि यहाँ चिंता मत कीजिए, इस रूम में यहाँ पे बहुत सारी जगह है और यहाँ पे हम दोनों आराम से छिप करके लेट करके बच सकते हैं। क्रॉल राइट इन एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, क्रॉल मीन्स आप लुढ़कते हुए धीरे से आकर राइट में बगल में साइड में आ जाइए एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और आप आराम से छिप जाएंगे और बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अब एक उसने इतना सरप्राइजिंग उसने आंसर दिया, मुल्ला दुप्याज़ा तो किसी और वर्क के लिए गए थे, बट बच्चे ने जिस तरह से बोला अब उनकी हंसी रुकने का कोई जो है छोर नहीं था। एक छोटा सा 2 लाइन का पेज है जिसे मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है बट पीछे है, आप देख लीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दुप्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, ये ज़िंदगी में पहला समय था जबकि मुल्ला दुप्याज़ा एक ऐसे हाजिर जवाब इंसान जिनके पास हर बात का जवाब होता था, लेकिन अपने बेटे के इस बात का पहली बार ऐसा हुआ कि मुल्ला दुप्याज़ा के पास कोई जवाब नहीं था, वो आज स्पीचलेस थे मतलब उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइन द सन, वो मुस्कुराते हुए
झुक करके गए और चुपचाप अपने बेटे के पास उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, उसके पास आके लेट गए। तो इस तरह से जैसा पिता वैसा बेटा, और उसकी हाजिर जवाबी से मुल्ला दुप्याज़ा बिल्कुल स्माइल्ड होकर रह गए। चलिए, ये होती है आपकी स्टोरी, इसको आप दो तीन बार सुनिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत लवली स्टोरी है। देन क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट वीडियो होंगी। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।